गुन गाए जमाना जमाना मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे वो घुट घुट के मर जाना मगर फरियाद ना कर। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, अक्सर ऐसा ही होता है चाहे बिजनेस हो या निजी जीवन। फिल्म जगत में तो कई बार ऐसा हो चुका है। 1950 के बाद लता मंगेशकर का सिक्का यूं चल पड़ा कि उसने रुकने का नाम नहीं लिया। परंतु इस क्रांति के पीछे ना जाने कितने सारे सिंगर्स का जीवन बर्बाद हो गया। आज ऐसी ही एक गायिका की कहानी लेकर आई हूं, जिसे राजकुमारी दुबे इस नाम से जाना गया था, परंतु बड़े बड़े गायिका को जितनी पहचान मिली उतनी इन्हें नहीं मिली। बजाय इसके कि राजकुमारी पहली महिला गायक में से एक रह चुकी हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि लता मंगेशकर के आने से पहले उन्होंने लगभग 2 दशक तक फिल्म जगत पर राज किया। परंतु आगे ऐसा क्या हुआ कि राजकुमारी दुबे गुमनामी के अंधेरे में गायब हुई? किस मजबूरी में आकर इस गायिका को गरीबी के दिनों में कोरस सिंगर बनना पड़ा? जी हाँ, फिल्मों के लिए गाने वाली राजकुमारी को 70 के दशक में कोरस में खड़ा होना पड़ता था। राजकुमारी पहली गायिका थी जो एक गाने के लिए 50 रुपए लेती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजकुमारी दुबे केएल सैगल के लेवल की कलाकार हुआ करती थी। सबसे पहले उन लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगी जो हमारे चैनल सब्सक्राइब करने से कतराते हैं। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी नहीं है कि ये एक माइलस्टोन है, बल्कि इसलिए जरूरी है कि YouTube हमारी वीडियो को अन्य दर्शकों तक भी पहुंचाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम एक जगह से कभी नहीं हिलेंगे। राजकुमारी दुबे का जन्म 1924 को बनारस में हुआ था। उनका परिवार किसी संगीत घराने से तो जुड़ा नहीं हुआ था, पर घर में सदा संगीत का वास रहता था। साथ ही उनके घर के बगल में एक थिएटर भी था जहाँ से हमेशा संगीत की आवाज आती रहती थी। बचपन के दिनों में राजकुमारी अक्सर उस थिएटर के प्रोजेक्ट मैन के बगल में आकर बैठती थी। प्रोजेक्ट के पीछे रहकर गुनगुनाने वाली इस लड़की की आवाज में कुछ तो जादू है। ये देखकर राजकुमारी के माता पिता ने उन्हें अपने इलाके की एक गायिका सिद्धेश्वरी देवी के यहाँ प्रशिक्षण के लिए भेजना शुरू किया। राजकुमारी के पिताजी अर्देशिल ईरानी की इम्पीरियल फिल्म कंपनी में काम कर रहे लल्लू भाई कपूर के खास दोस्त थे। जब भी वे उनके घर जाते तो लल्लू भाई 9-10 साल की राजकुमारी को मुंबई जाने को कहते। छोटी राजकुमारी दिखने में गोल मटोल थी, पर फिर भी उन्होंने गायिका के साथ अभिनेत्री बनने का भी सपना सजाया था। आखिरकार राजकुमारी के पिताजी मुंबई आकर बस गए और राजकुमारी ग्रामोफोन नामक एक कंपनी से जुड़ गई। उन दिनों आवाज वाली फिल्में नहीं बनती थी, गायक और संगीतकारों को थिएटर में जाकर लाइव प्रदर्शन करना पड़ता था। ऐसे में सिंगर बनने का स्कोप इतना ज्यादा था भी नहीं, इसलिए राजकुमारी नाटकों में एक्टिंग करने लगी। बतौर बाल कलाकार उनकी पहली फिल्म थी राधे श्याम, जो कि साल 1932 में रिलीज हुई थी। एक दिन महान फिल्मकार विजय भट्ट साहब राजकुमारी का एक नाटक देखने थिएटर आए हुए थे। बाकी दर्शकों को वंस मोर चिल्लाते हुए देखकर विजय भट्ट भी राजकुमारी को देखकर अचंभित हो गए। उन दिनों वे ऐसी अभिनेत्री की तलाश में थे जो एक्टिंग के साथ सिंगिंग भी करती हो। राजकुमारी को देखकर उन्होंने तुरंत ही उन्हें कास्ट करने का फैसला लिया। इस तरीके से 1933 में उनकी पहली फिल्म संसार लीला रिलीज हुई, जिसमें अमजद खान के पिताजी जयंत ने पहली बार अभिनय किया था। इस फिल्म के बाद भी राजकुमारी स्टेज के लिए काम करती रही। आपको बता दूं कि उन दिनों थिएटर में स्पीकर और माइक्रोफोन नहीं हुआ करते थे, इसलिए राजकुमारी और बाकी कलाकारों को जोर जोर से डायलॉग बोलना पड़ता था। ये देखकर विजय भट्ट साहब ने उन्हें सिर्फ गायकी पर फोकस करने की सलाह दी, परंतु बाद के दिनों में भी राजकुमारी एक्टिंग करती रही। फिर आखिर में उन्होंने मोतीलाल की बात मान ली और सिर्फ सिंगिंग पर ध्यान देने लगी। बतौर गायिका राजकुमारी का नाम केएल सैगल के साथ लिया जाता था। वो अकेली गायिका थी जिसे स्टार सिंगर का ओहदा मिला था।
बजाय इसके कि उस जमाने में भी महिला क्लासिकल सिंगर्स हुआ करते थे, परंतु फिल्मकार सिर्फ राजकुमारी को ये कहकर मौका देते थे क्योंकि वो हर प्रकार के गाने गा लेती थी। 1950 तक राजकुमारी ने लगभग 500 गाने गा लिए थे, परंतु समय का पहिया कुछ इस कदर घूमने लगा कि लता मंगेशकर के आने के बाद राजकुमारी काल के पर्दे के पीछे चली गई। इसके पीछे लता मंगेशकर का कोई हाथ नहीं था। दरअसल हुआ यूं कि शादी के बाद राजकुमारी ने फिल्मों से दूरियां बना ली थी, परंतु आर्थिक हालत बिगड़ने के बाद उन्होंने दोबारा गाने का फैसला लिया, पर इस बार किसी भी फिल्मकार ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, यहाँ तक लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाते थे। एक इंटरव्यू में राजकुमारी बताती हैं कि वो फिल्म जगत से दूर नहीं गई, बल्कि फिल्मकारों ने उन्हें भुला दिया। 60-70 के बीच उनकी हालत बहुत कमजोर हो गई, अतः इस महान गायिका को दुर्भाग्यवश कोरस में खड़ा किया जाने लगा। एक दिन नौशाद साहब पाकिजा फिल्म के लिए संगीत बना रहे थे। स्टूडियो में कोरस दे रहे कुछ गायिकाओं में से एक की आवाज उन्हें जानी पहचानी सी लगी। उन्हें पता नहीं क्यों महसूस हुआ कि ये आवाज उन्होंने बहुत पहले सुनी थी। तुरंत ही उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खोला और अपने जमाने की स्टार गायिका को जूनियर गायकों के ग्रुप में देखा। आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये नजारा देख नौशाद के दिल की धड़कनें रुक गई होंगी। उम्र के 85 पार कर चुकी उस महिला की आवाज किसी जवान लड़की जैसी महसूस होती है। उसके बाद साल 1977 की किताब फिल्म में भी राजकुमारी ने एक गाना गाया। हरी दिन तो पिता शाम हुई रात बा। परंतु फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति बदली नहीं और गुमनामी के अंधेरे में राजकुमारी गायब हो गई। अतः साल 2000 में उनकी मौत हो जाने के बाद लोगों ने राजकुमारी को याद करना शुरू किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि फिल्म जगत में से सिर्फ सोनू निगम उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। नौशाद साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमारी भारत की पहली स्टार गायिका थी। उसके बाद प्रकाश पिक्चर्स के मालिक वहाँ पे आए हुए थे नाटक देखने। उनकी पिक्चर बन रही थी नई दुनिया और संसार लीला, हिंदी गुजराती, गुजराती जबान में भी और हिंदी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, ये नाटक में इतने जोर जोर से, पहले नाटक में माइक्रोफोन माइक नहीं रखते थे। अच्छा। हाँ, वो डायरेक्ट गाते थे चिल्ला चिल्ला के, यानी अच्छा। पीछे वाली पब्लिक भी सुने, इतने जोर से गाना पड़ता था, डायलॉग बोलना पड़ता था। तो उन्होंने कहा, इतने जोर से तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है और गा भी तुम लेती हो अच्छी, तो क्यों उन्हें नाटक छोड़ दो, फिल्म में काम करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं राजी हो गई, मुझे शौक था। हाँ, तो किसी वजह से मैं नाटक में थी, तो मैं फिल्मों में आई और उनके दो फिल्मों में मैंने हीरोइन का रोल किया था। एक गुजराती फिल्म थी, एक हिंदी जबान में।